चलो आइए पहले तो सबको शुभ प्रभात शुभ प्रभात शुभ प्रभात सभी को, को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे नारायण 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 योगेश शायर है, कविता है। से लिखता है ये बटन ऑन मत करो कुछ कहना है तो लिख दो कि इस हैंड्रेज का कोई मतलब नहीं बनता सोनू हैंडरेज का कोई मतलब नहीं है जो कहना है वो टाइप कर दो यहाँ पे टाइप कर दो मैं पढ़ लूंगा ठीक है चलो आइए शुरू करते हैं यात्रा और हम जो कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं हम क्या कर रहे थे हम ये कर रहे थे आंशिक आउटलिंग कर रहे थे अब आ जाओ थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल लेते हैं दिमाग लगाते हैं

या फिर आयलर परमी के इन दो में से एक सवाल एक ही सवाल पूछा जाता है नॉर्मली दोनों में से कोई चाहिए तो आंशिक अवकलन वाला पूछ लिया जाए और अभी आगे जो आप आयलर परमे पढ़ेंगे उस पर पूछ लिया जाए दोनों में से किसी एक पर एक सवाल पूछा जाता है ठीक है जाओ शुरू करते हैं तो u बराबर लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब आपको क्या करना है ये रहा u डिपेंड करता है x और y पर u का दो बार ये रहा u कितनी बार दो बार दो बार किन के साथ x के साथ d नीचे कैसे लिख दिया गलती से लिख दिया और गलती से तो कुछ भी लिखा जा सकता है ना तो डेल स्क्वायर U और डेल एक्स स्क्वायर U का दो बार अवकलन करना है दोनों ही बार x के साथ करना है प्लस तो डेल स्क्वायर ओवर और एक्स स्क्वायर u का दो बार फिर यू का दोबारा करना है दोनों बार करना है और दोनों बार वाई के साथ करना है और फिर दोनों से जो आए उस रिजल्ट को ऐड कर देना है जोड़ देना है ये आपका जो भी आए वो बताना है कि इनमें से कौन सा भैया आएगा आओ शुरू करते हैं यात्रा तो सबसे पहला है कि भाई लोग का थोड़ा सा फायदा उठाओ लोग का फायदा ये है कि लोग पावर को आगे भेज देता है अंडर अंडरवुड मतलब आधी पावर आधी पावर आगे आ जाएगी तो कम से कम थोड़ा तो फर्क पड़ेगा बोले बिल्कुल पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ही तो बड़ा हो जाता है तो एक बटा दो आगे आ गया अभी लोग हैं, लोग का फायदा तो उठाएंगे उठा लिया एक बटा दो आगे आ गया, गया एक बटा दो लोग एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस वाई चलो, अब करते हैं एक्स के साथ तो डेल यू ओवर डेल एक्स। एक बटा दो लोग का पहले लोक का हो जाएगा लोक का हो जाएगा एक्स स्क्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का दो एक्स स्क्वायर का जीरो एक्स स्क्वायर का दो एक्स वाई स्क्वायर का जीरो आपका पहला अवकलन आ गया फर्स्ट बताइयो हमें पहला आकलन मिल गया है पहला आ गया राजी खुशी आ गया अब आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ सेकंड करते हैं सेकंड करेंगे रुको थमो सेकंड जब करोगे तो एक्स के साथ ही कर रहे हो तो दोबारा x के साथ डेल स्क्वायर u ओवर डेल स्क्स स्क्वायर लेकिन रुको देखो फिर आगे बढ़ो x ऊपर भी है x नीचे भी है दोनों तरफ x है इसका मतलब भाग का नियम लगेगा और भाग का नियम लगेगा तो नीचे वाला बाहर रहेगा ऊपर वाले का अवकलन होगा x का एक माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर का दो एक्स वाई स्क्वायर का जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ठीक है ब्रेकेट खोलेंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर तो यह आगे आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया आपका एक्स के साथ दो बार ठीक है ये आ गया अब एक अच्छी बात देखो ये सवालों में एक अच्छी बात ये होती है कि सवाल में कोई भेदभाव नहीं है अगर आप एक्स वाई को देखें तो जो एक्स के साथ है वैसा ही वाई के साथ है तो जैसा एक्स के साथ है वैसा ही वाई के साथ है तो बस यही है कि अगर मैं एक्स को वाई से बदल दूं और वाई को एक्स से बदल दूं तो इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे सवालों को सम्मित सवाल कहते हैं है। सिमेट्रिक क्वेश्चन सिमेट्रिक अगर जहां एक्स लिखा हुआ है वहां मैं वाई लिख दूं और जहां वाई लिखा हुआ है अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इससे हमें बहुत फायदा बहुत फर्क पड़ेगा इस कोई नहीं फर्क से हमें बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि अब हमें वाई के साथ नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा बस हम क्या करेंगे यही करेंगे जहां एक्स आया वहां वाई लिख दो जहां वाई आया वहां एक्स लिख दो बस यह आपका काम हो गया क्योंकि सवाल एकदम सिमेट्रिक है सिमेट्रिक सवालों में ये आपको फायदा मिलेगा जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वाई लिख देना जहां वाई लिखा हुआ है वहां एक्स लिख देना जहां एक्स लिखा हुआ है क्योंकि अगर सिमेट्रिक है सिमेट्रिक का पता कैसे चलेगा सवाल में जाइए है. है ना आज जैसे बी में लिखा कर तो इसी प्रकार से वो जो इसी प्रकार से होता था उसका मतलब ये होता था इसी प्रकार से है ना इसी प्रकार से का क्या? क्या मतलब होता था कि आपका सवाल जो है वो सिमेट्रिक है मतलब ऐसा सवाल है कि जो x के साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा y के साथ भी वैसा ही करेगा z के साथ भी वैसा ही करेगा तो जो आपने x के साथ निकाला है उसी को देख के आप बता सकते हैं कि y के साथ क्या आएगा और z के साथ क्या आएगा ठीक है ना तो उसमें क्या है हाँ करके भी निकाल सकते हो निकाल सकते हो लेकिन पागल है समय बर्बाद करेंगे समय कहाँ से लाएंगे हाँ सिमेट्री इज द बेस्ट पॉलिसी एंड ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी से सिमेट्री इज द बेस्ट पॉलिसी तो बस आप इंटरचेंज कर दो तो जहां एक्स है वहां वाई लिख दो जहां वाई है वहां एक्स लिख दो ये आपका दूसरा बन गया दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को जोड़ोगे तो लघुत्तम सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा ये आगे जीरो आंसर है जीरो तो आंसर है तो ये आंसर है ऑप्शन है ना ये रहा डी ऑप्शन जीरो ठीक है क्लियर समझ में आ गए समझ में आगे बात और एक चीज और है जो नए बच्चे हैं ना जो नए बच्चे हैं उन लोगों को एक राय दूंगा कि जो आपसे एक्सपीरियंस बच्चे हैं जो मतलब दो साल से तीन साल से तैयारी करें कृपया कर उनके साथ रहें उनके साथ रहें क्योंकि अनुभव अपने आप में एक अलग कीमत है उसकी वो बाजार में नहीं मिलता है ना जो भी नए स्टूडेंट है जो भी नए स्टूडेंट है दो तीन अपने ऐसे दोस्त बनाइए दो तीन ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे सीनियर है बच्चा जल्दी सीखता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हम खुद ठोकर खाके सीखते हैं वो सीनियर जब होते हैं ना जैसे जो कॉलेजेस में सीनियर्स होते हैं एक बार कहते हैं ये वो रैगिंग कर दी फ्लान कर दी वो अपनी शिकायतें उनको एक बार अगर हम बाहर निकाल दें और उसकी बात करें तो उसका एक इंपॉर्टेंस ये होता है कि सीनियर के पास बहुत ज्ञान होता है वो उसने अर्जित किया होता है और वो आपको फ्री में दे रहा है वो आपको फ्री में दे रहा है गौर करिए है ना आप देखो जैसे आशीष है आशीश है ना आशीष है सुधांशु है अनिल है तो ये जो है आप इन लोगों के साथ में रहिए इन सानिध्य में रहिए इनके साथ ये भी मतलब हमारे समकक्षी हैं बस इनका सिलेक्शन होना बाकी है ये हमारे समकक्ष क्योंकि इनके पास भी अच्छा खासा नॉलेज है इन लोगों ने तैयारियां की है इन लोगों ने पढ़ा है इन लोगों ने बहुत सिलेबस में बहुत जान फूकी है तो इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो जब हम क्लास में नहीं होते तो आप इनके साथ रह सकते हैं इनके साथ फायदा उठाइए इनके नॉलेज का इनके ज्ञान का इनके एक्सपीरियंस का ऑफलाइन में नहीं होता ये ये ऑफलाइन के कनेक्टिविटी में नहीं होता ऑनलाइन में ये पॉसिबल है ऑफलाइन में तो बंदा क्लास लेगा घर गया कोई नहीं रुकता किसी के लिए मैंने तो कभी नहीं देखा हमारी उम्र तो ऑफलाइन में बीती है हमने कभी नहीं देखा कि कोई बैठ के हमारे साथ बता रहा है कि आओ चलो बताता हूँ सारी राम कहानी सुनाता हूँ आओ सुनाए तुम्हें राम कहानी ऐसा कहीं नहीं होता ऑनलाइन में तो फिर भी एटलीस्ट आप ऑनलाइन रहते हैं ग्रुप में रहते हैं तो सवाल जवाब कभी भी हो सकते हैं ऑफलाइन में तो ये कभी होता ही नहीं था ऑफलाइन में बस क्लास ली और बह गया बह गया बह गया थोड़ी देर बाद में दिख बंद हो जाए तो सीनियर का फायदा जरूर लीजिएगा है ना मैं ग्रुप बनाऊंगा बिल्कुल बनाऊंगा आजकल में आपका ग्रुप बना देंगे एक दूसरे का फायदा लीजिए बहुत जरूरी है ये नहीं करेंगे इससे पहले एक और करेंगे फिर इस पे आएंगे इससे पहले एक दो सवाल और करेंगे फिर इस पे आएंगे सही समय पे इस पे आएंगे आओ इस पे आते हैं आप इसके लिए तैयार है हम पावर ए एक्स प्लस बीवाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई हाँ वही तो जाता है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बढ़िया कॉलेजेस होते हैं ना जिनको आप बढ़िया कॉलेजेस कहते हैं उसके दो फैक्टर्स होते हैं एक तो फैक्टर होता है कि वहां के लेक्चरर अच्छे होते हैं जो पढ़ाते हैं वो अच्छे होते हैं नंबर दो होता है कि वो जो पीएस होते हैं पीएर्स का मतलब जो आपके साथ गण होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं अब एक चीज की कल्पना करिए कि टीचर्स आपके साथ दो गण घंटे रहता है तीन घंटे रहता है चार घंटे रहता है लेकिन आपके दोस्त आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं ज्यादातर टाइम पे तो वो एक फायदा आपको हर टाइम मिलता रहता है जितने टाइम टीचर से पढ़ा उतने टाइम टीचर से पढ़ा बाकी दोस्तों से पढ़ा तो फिर आपका लगातार माहौल बन जाता है और माहौल से रिजल्ट बन जाता है है ना ये तो पढ़ते ही हम लोग माहौल बना लो माहौल रिजल्ट बना देते हैं तो आप तो बस माहौल बनाना होता है टीचर्स के साथ रहिए अदरवाइज सीनियर्स के साथ रहिए टीचर्स के साथ सीनियर के साथ रहेंगे माहौल बनेगा माहौल से रिजल्ट बनेगा तो आपको सिर्फ माहौल बनाना है माहौल अपने आप रिजल्ट बना देगा तो अब हमें क्या करना है आ जाओ हमें जेड का पहले एक्स के साथ आंशिक अवकलन करना है फिर उसको बी से गुणा करना है जेड का वाई के साथ गुणा करना है जेड को वाई के साथ अवकलन करना है फिर ए से गुणा करना है फिर दोनों को जोड़ देना है और देखना है कि क्या आता है अब अवकलन करते हुए थोड़ा सा शांति रखिएगा अवकलन में शांति रखिए मैं एक्स के साथ जा रहा हूं एक्स इसमें और एक्स इसमें भी है दोनों में एक्स है तो गुणा का नियम लगेगा दोनों में एक्स है और मैं X के साथ ही करने जा रहा हूं दोनों में एक्स है तो गुणा का नियम लगेगा अब जब मैं गुणा का नियम लगाऊंगा डेल जेड ओवर डेल एक्स है ना पहले इसका अवकलन कर देता हूं इसका इसको एक बार रेस्ट करवा लेता हूं इसका करूंगा तो ई e का अवकलन ई e हो जाएगा ए बाहर एक्स का अवकलन एक प्लस बी बाहर वाई का अवकलन जीरो ठीक है और ये वाला एज इट इज जैसा था वैसा बच गया ए एक्स माइनस बी वाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई ई की पावर एक्स अब इसकी बारी होगी पूरी e की पावर ए एक्स वाले की बारी पूरी होगी दूसरे की बारी स्टार्ट करू f का अवकलन क्या होता है f में अवकलन f डैश लगा देते हैं डैश का मतलब भाई तेरा अवकलन कर दिया अच्छा ब्लर हो गई है क्या ठीक है अब सही है तो एफ का आकलन क्या होगा एफ तो फलन है फलन पता ही नहीं है क्या है तो एफ का आकलन सिर्फ एफ डैश हो जाएगा एफ डैश का मतलब जब भी एफ पता चल जाए उस दिन इसका आवकलन कर देना जिस दिन भी आपको एफ पता लग जाए जिस दिन पता लग जाए डैश का मतलब डैश लगा के छोड़ रहे हैं कई बार चस्पा करके हम छोड़ देते ना कि भाई जब भी घर पे आओ पढ़ लेना तो वैसे ही एफ तो पता ही नहीं एफ कौन है नहीं पता तो उस पर डैश लगा के छोड़ दो मतलब कि भाई जिस दिन आपको एफ पता लग जाए कि एफ कितना है उस दिन उसका अवकलन कर लाना बस तो एफ डैश लगा दिया तो डैश याद कि डैश का मतलब है कि जब एफ जिस दिन पता लग जाए उस दिन अवकलन कर देना अब एफ के अंदर चलो एफ के अंदर चलो अंदर ए बाहर एक्स का अवकलन एक बी बाहर वाई का अवकलन जीरो आपका अवकलन आ गया और ये डेल ओवर डेल आ गया e की पावर एक्स प्लस बीवाई कॉमन ले सकते हो लो तो लो वरना ना लो नहीं लेते बाद में काटने में मदद होगी काटना आसान होगा फिर आ गया हमारा x के साथ x के साथ ऑकल करना था गुणा b करना था b से गुणा कर दू ये हो गया अब अगला हमें करना है किसके साथ? y तो 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 यहां, यह यह यहां, यहां जीरो माइनस का b आ जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पे माइनस का b देखने को मिलेगा आपको और फिर मैं उसको गुणा कर दूंगा ए से तो खाली यहां पे एक माइनस का अंतर आएगा इस जगह पे बाकी सेम आएगा इसी प्रकार से पावर ऑफ इसी प्रकार ये ठीक है दोनों को जोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन क्यों ने कहा है जोड़ना है हम भी जोड़ देते हैं एक और एक दो ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ टू ए बी ये आपका वापस से सवाल बन गया इसकी जगह Z रख सकते हो ये Z आ गया टू ए बी जेड टू ए बी जेड यह आपका ए आ गया ठीक है सही है हाँ ये जितने भी सवाल है ना अभी जो भी बोर्ड पे सवाल आ रहे हैं ये सारे के सारे सवाल है ना सबके सब, सब वेल टेस्टेड है वेल टेस्टेड इसलिए कि पेपर में आए हुए सवाल है क्योंकि प्रैक्टिस शीट के सवाल है और प्रैक्टिस शीट में ज्यादातर सवाल आप देखेंगे तो वो जो भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवाल है चाहे वो इधर उधर किधर भी आए हो और उसके हमारी परीक्षा सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उसके जो समकक्ष सवाल है जो उस परीक्षा से है ना वो आईआईटी वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको हजारों मिल जाएंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है वो आईआईटी के एग्जाम के आईआईटी को काम आएंगे हमारे क्या काम आएंगे हमारे तो हमारी परीक्षा के काम आएंगे ना तो हमारी परीक्षा के समकक्ष जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस शीट में और प्रैक्टिस शीट के यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सारे सवाल जो भी आप कर रहे हैं खुश हो सकते हैं अगर आपसे ये हो रहे हैं मतलब आप परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं ठीक है ना तो कोई भी फालतू सवाल नहीं है सब के सब कमाल के सवाल है परीक्षा में आए हुए सवाल है बढ़ जाए आगे चलो अब एक इसे इस ले लो ये लो अब फलन का सवाल फिर एक ला दिया और इसे बताओ क्या आएगा इसका कॉन्फिडेंस आता नहीं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं नहीं आता आता आपको कभी आता ही है ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी समस्या ये जब आप ज्ञान मार्ग पे होते हैं है ना तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये आपको कॉन्फिडेंस कभी होता ही नहीं है आप जितना पढ़ते हैं आपको इतना पता लगता है कि कितना कुछ बाकी है पढ़ने के लिए बस पढ़ने से आपको यही ज्ञान होता है जब आप नहीं पढ़ते हैं जब आप देखिए किसी अनपढ़ आदमी को देखिए अनपढ़ आदमी को लगता है उसे सब कुछ पता है लेकिन जैसे ही पढ़ता जाएगा उसे लगेगा उसे कुछ नहीं पता अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेगा अगर जिसने जितनी बड़ी डिग्री है वो अपने आप को उतना छोटा महसूस करेगा उसे मुझे कुछ नहीं आता मुझे कुछ नहीं आता है ना आपको छोटे क्लास के मतलब कोई अनपढ़ आदमी उसे पूछो उसे सब कुछ पता है आप उसे सेटेलाइट पूछिए मोबाइल फोन पूछिए वो सब कुछ बता देगा जबकि उसने कहीं देखा सुना कुछ भी जो सुना है वो जोड़ जोड़ के वो कहानी सुना देगा जैसे आप पढ़ते जाएंगे ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता और कुछ भी नहीं आता ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी तो इसलिए इसको में ना करें हाँ यही बात सही है कि ज्ञान जो है वो अज्ञानता का ज्ञान करवाता है आपको समझ में आता है तो हमें क्या करना है हमें इसका वाई के साथ दो बार अवकलन करना है तो अगर मैं वाई के साथ दो बार अवकलन करूं पहले फर्स्ट टाइम करता हूं फर्स्ट टाइम के साथ अवकलन करूंगा तो ये एफ डैश क्योंकि फलन पता तो है नहीं नहीं पता है तो डैश लगा के छोड़ दो डैश लगा के छोड़ दो कि भाई जब टाइम मिलेगा तो अवकलन कर लेंगे एफ का एफ डैश हो गया एक्स का एक्स के साथ कर ही नहीं रहो वाई के साथ कर रहे हो तो ए वाई का एक फिर फाइ का फाइ डैश एक्स माइनस ए वाई एक्स का जीरो माइनस ए वाई का माइनस ए ए चाहो तो कॉमन ले सकते हो लेकिन एक बार बैक टू बैक फिर चिपका दो एक ए का औकलन और चिपकाने पर वाई के साथ दोबारा दूसरी बार चिपकाने पर दोबारा चिपकाओगे तो दो डैश हो जाएंगे मतलब एक चस्पे पर एक चीज और चशपा कर दी कभी जब भी f पता लगे उस दिन उसका दो बार अवकलन कर देना ये माइनस ए माइनस ए प्लस ए हो जाएगा ये आपका आ गया वाई के साथ दो बार अवकलन अब आंसर जो है वो तो ऐसा दिया नहीं है आंसर ऐसा दिया एक्स के फॉर्म में एक्स की फॉर्म में दिया इसका मतलब एक्स के साथ भी अवकलन करने होंगे शुरू करें एक्स के साथ जेड का x के साथ करते हैं z का x के साथ करेंगे तो f का f डैश एक्स प्लस ए वाई एक्स का एक प्लस ए वाई का जीरो फाइव Phi का फाइव डैश ए वाई एक्स का एक ए वाई का जीरो दोबारा पुनः अवकलम ठीक है सही है इसमें से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें हमने क्या निकाला था डेल स्क्वायर जेड निकाला था ना डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाला था ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल ले यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो यही बन गया ठीक है सही है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ठक। ये रहा अगला सवाल सवाल नंबर पांच हाँ माइनस आ गया ना माइनस पहले एक माइनस ऑलरेडी था एक माइनस और आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया पहली बार किया था तो माइनस से आया था फिर दोबारा किया फिर माइनस से आ गया तो दो बार माइनस आके माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए वो प्लस लिखा हुआ है मुझसे नहीं होगा ऐसा फील हो रहा है तो ये देखो ये शायद कभी कभी होता है कभी कभी महीने में दो चार दिन आपको ऐसा फील होता है दो चार दिन हमें भी फील होता है दो चार दिन कई बार है ना दुनिया से परे चले जाते हैं लगता है क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये क्या है ये कोई जिंदगी है ये कोई ऐसा है सात दिन पढ़ाते रहते हो ये करते हो पढ़ते रहते हो कोई जिंदगी है है ये वो है। फिर मुझे लगता है आज का दिन गड़बड़ है।, <laughs> गड़ है आज का दिन गड़बड़ है आज का दिन चुपचाप जाने देते हैं बस वही ठीक है फिर वो चला जाता है दूसरा दिन सुबह उठते हैं बैक टू नॉर्मल <laughs> इसलिए कई बार होते हैं ना उन दिनों का सम्मान करो उस दिन आप क्या लोवेस्ट फॉर्म में होते हो अपने उस दिन आप अपने मतलब आपका जो खुद का स्तर है उससे आप काफी नीचे होते हो उस दिन तो उस दिन को जाने दो उस दिन को जाने दो उस दिन ज्यादा विचार मत करो आज का दिन यही चीजें आती रहेगी केमिकल रिएक्शन है साहब अंदर बहुत कुछ खेल चलता रहता है अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो है ना वो खच 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 करते रहते हैं वो दिमाग को कभी खुश करते हैं कभी दुखी करते हैं कभी डिप्रेस करते हैं कभी कुछ करते हैं समझ जाओ केमिकल लोचा चल रहा है आज का कोई केमिकल लोचा हुआ है बस शांति से वो दिन निकाल दो और अगले दिन आप नॉर्मल हो जाओगे अगले दिन वो केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएगी अगले दिन आप ठीक हो जाओगे तो इसलिए कई दिन अगर ऐसे होते हैं तो ज्यादा विचार मत करो वो दिन जाने दो बस और दूसरे दिन देखना आप वापस फ्रेश हो जाओगे उस ज्यादा विचार करोगे एफ डबल डैश प्लस एक बट आर एफ डैश आर किसके बराबर है बताएंगे कदाचित बताएंगे पहले इसका एक्स के साथ मैं दो बार अवकलन करता हूं है ना मैं इसका एक्स के साथ अवकलन करता हूं पता लगेगा कि क्या आ रहा है ध्यान देना ध्यान देना डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स एफ का हो गया एफ डैश फिर आर का डेल आर ओवर डेल एक्स आर का जीरो क्यों नहीं हुआ आर का जीरो क्यों नहीं हुआ और हमने तो पढ़ा है ना कि एक्स के अलावा बाकी सबका जीरो होगा ना एक्स के अलावा अलावा का मतलब अलावा का मतलब जो स्वतंत्र है जो एक्स से स्वतंत्र है उनका जीरो होगा जो एक्स से स्वतंत्र यहाँ पे एक्स से स्वतंत्र सिर्फ y है यहाँ पे एक्स से स्वतंत्र सिर्फ y है।, है या कोई अचर पद है है ना r x पे डिपेंड करता है और अगर r x पे डिपेंड करता है तो वो फिर एक ही परिवार है और एक ही परिवार में निर्भरता होती है डिपेंडेंसी है मतलब निर्भरता निर्भरता मतलब परिवार है ना इसलिए तो परिवार जुड़े रहते हैं क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता होती है इमोशनल हो सामाजिक हो है ना आर्थिक हो कोई भी हो आपस में निर्भरता है तब वो जुड़े पड़े सही बात तो है गलत है तो जिसको हम कहते हैं कि एक्स के अलावा अलावा शब्द का मतलब है जो इंडिपेंडेंट है है ना आप अपने परिवार से बाहर किन लोगों को देखते हैं जो आपसे इंडिपेंडेंट है आपके पड़ोसी हो गए आपके मोहल्ले में और रहने वाले लोग हो गए वो आपके इंडिपेंडेंट है तो वो अलावा हुए आपका परिवार थोड़ी अलावा हो आपका परिवार तो आपका ही होगा वो तो एक ही होगा तो वही है ये आर जो है ये एक्स की फैमिली का है देख सकते हो यहाँ पे ये देखो ये रहा आर डिपेंड करता है एक्स और वाई पे आर डिपेंड करता है एक्स और वाई पे क्योंकि एक्स और वाई से आर आएगा इसका मतलब आर डिपेंड है पर है तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हुआ तो एक्स के साथ जो और स्वतंत्र है उनका अवकलन जीरो होगा वाई होता तो जीरो होता लेकिन आर डिपेंडेंट है तो जो भी एक्स पे डिपेंड होगा उनका अवकलन होगा जैसे एक्स का होता है वैसे उनका भी होगा अब आर का डेल आर और डेल एक्स हो गया समझ गए अब आर का अवकलन करने के लिए यहां पहुंच जाओ आर का अवकलन करवाते हैं ये रहा आर का अवकलन करने के लिए दोनों तरफ वर्क कर दू थाना प्लस वाई स्क्वायर ठीक है आर का हो जाएगा दो आर खुद आर का हो गया डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर का दो एक्स अब देखो देखो ये हो रहे हो वाई का जीरो क्यों जीरो क्योंकि एक्स के साथ कर रहे हैं एक्स के लिए वाई स्वतंत्र है एक्स का वाई से कोई रिलेशन नहीं XY एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र है तो जो स्वतंत्र है उनका अवकलन जीरो होगा यहां से आपके पास डेल आर ओवर डेल एक्स का मान आ गया एक्स बटा आर दो से दो कट गया एक्स बटा आर इस मान को लाके यहां रख दो बात समझ में आई एक दो बार इनको हाथ से निकालिएगा है ना एक दो बार इनको हाथ से निकालिएगा अगर यहां पे समझ में आ जाए तो जब क्लास ऑफ हो जाए तो इनको हाथ से निकालिएगा दोबारा जैसे हम पुनः अवकलन करें पुनः एक्स के सापेक्ष दोबारा से एक्स के साथ अब दोबारा एक्स के साथ करेंगे तो मामला बड़ा पेचीदा होगा बड़ा शानदार होगा क्यों शानदार होगा इस बार तीन बंदे आउकलन करने वाले करवाने वाले तीन है कौन एफ डैश एफ का अवकलन होगा होगा क्यों होगा क्योंकि F आर एक्स पे डिपेंड करता है डिपेंड डिपेंड मतलब कर रहे हैं मतलब परिवार है परिवार होगा तो एफ का अवकलन होगा गुणा एक्स एक्स तो एक्स एक्स तो खुद ही है और एक बट्टा आर आर एक्स पे डिपेंड कर रहे तीनों ही डिपेंडेंट है तीनों डिपेंडेंट है तो तीनों का अवकलन होगा तीनों का होगा तीन गुणा में है गुणा में है तो गुणा का नियम लगेगा और गुणा के नियम से अवकलन जब करते हैं तो पहले का अवकलन हो रहा होता है पहले का हो गया f डबल डश एक डैश लगा था एक और लग गया और r का हो गया डे ल r ओवर डे ल x ये हो गया पहले का पहले का अवकलन करने के बाद प्लस अब दूसरे का दूसरे का तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दो दूसरे का करो एक्स का एक फिर फर्स्ट को सेकंड को छोड़ दो थर्ड का करो तीसरे का एक बटा आर का कैसे आवकलन होगा एक बटा आर आर ऊपर जाएगा आर की पावर माइनस एक होगा माइनस एक आगे आएगा माइनस एक और कम हो जाएगा और वो माइनस एक बटा आर स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक बटा आर स्क्वायर लेकिन आर का भी तो होगा ना खुद तो डेल आर ओवर डेल एक्स डेल आर ओवर एक्स इतना बड़ा होगा ये हो गया अवकलन तीनों का अवकलन हुआ बाकायदा इसमें हमने क्या किया पहले इसका अवकलन किया इन दो को छोड़ दिया फिर इसका अवकलन किया पहला और तीसरे को छोड़ दिया फिर तीसरे का किया पहले दूसरे को छोड़ दिया बारी बारी से तीनों की बारी आ गई ठीक है अब जो मान रखना है वो रख दू इसका मान x बटा आर इसका मान x बटा आर ये मान रख दू x बटा आर इंटू एक्स बटा आर प्लस इसकी जगह एक्स बट आर आ जाएगा माइनस एफ डैश आर एक्स बट आर स्क्वा भयंकर खुला है कोई बात नहीं ये लो सारे डन है बोले हाँ सब एकदम डन डन है एक्स बट आर स्क्वायर देख लो चेक कर लो कोई गड़बड़ नहीं कोई गड़बड़ नहीं कोई भी परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं ठीक है तो क्या आया वो फाइनल करके लिखो हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ कि डेल स्क्वायर यू का एक्स के साथ दो बार अवकलन करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वो ये हुआ है एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर एक ये प्राप्त हुआ एक ये प्राप्त हुआ और एक ये प्राप्त हुआ ये ये लो आया अब अगर इसी का मैं वाई के साथ दो बार करता तो ऐसा ही रिजल्ट वाई के साथ आता बस जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां वाई लिखा हुआ आता जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वाई लिखा हुआ आता यही तो फर्क होता अगर मैं यही करता तो सेम चीज अगर मैं वाई के साथ दोहराता तो क्या आता जहां एक्स लिखा हुआ वही आता क्यों यहां पे देखो अगर मैं वाई के साथ करता तो आर स्क्वायर का जीरोक्वायर का, वा का जीरो जाता क्योंकि उस केस में वाई, वाई है है, स्क्वायर का जीरो जाता वाई का दो वाई हो जाता दो दो कट जाता डेल आर ओवर डेल वाई बराबर आ जाता वाई बटा आर तब यहाँ पे वाई बटा आर आता तो पूरा का पूरा सवाल वाई बटा आर के लिए तैयार होता पूरा सवाल वाई बटा आर के लिए तैयार होता तो इसी को अगर मैं वाई के साथ लिखूं दो बार तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर इंटू एक बटा आर वाई स्क्वायर बटा आर क्यूब एफ डैश आर अब अगर हम दोनों को जोड़ दें इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा तो ये आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर यहां से देखो एफ डैश एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा बट्टे में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा देखो एक तो एक बटा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनमें से एक बटा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर है आर तो उसकी जगह आर स्क्र आर स्क्वायर आ एफ डबल डैश आर डन फिर इसकी बारी ये हो जाएगा आपका एक और एक मिलाकर दो हो जाएंगे सेम है ना सेम टू सेम है तो एक और एक दो गए दो एफ डैश आर इंटू एक बट आर फिर इनकी बारी इनमें से एक तो आ जाएगा माइनस माइनस कॉमन एक एफ डैश कॉमन एक बट्टे में आर क्यूब कॉमन अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा एक बट्टा आर बच जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का एक बटा आर एफ डैश आर और ये हो गया आपका एफ डबल डैश आर प्लस दो में से एक गया एक बच गया एक बटा ये आपसे पूछा था कि एफ डबल डैश आर प्लस एक बटा आर एफ डैश आर किसके बराबर है तो ये बराबर है एक्स के साथ दो बार आउटल प्लस वाई के साथ दो बार आउटलेंगे तो यह आपका आंसर हो गया ठीक है

एक नॉर्मल आदमी किसी चीज को पांच बार दोहरा सकता है दस बार दोहरा सकता है एक जादू का चीज को सो बार हजार बार दोहराता है इसलिए वो जादू लगता है तो बस वही जादू हो जाता है फिर जब आप चीजों को बार बार दोहराते हैं तो आपकी यहाँ पे जो कनपट्टी है ना यहाँ से ऊपर वाला पार्ट इस पार्ट पे चित्र बनने शुरू हो जाते हैं अच्छा इसमें इसमें मैंने उस दिन सॉल्व किया था ये उत्तर आया था ये आएगा इसका ये आएगा तो वो दिमाग पता नहीं क्या क्या खेल खेलता है फिर वो है ना जो सिक्स सेंस है वो ओपन हो जाता है फिर जब आप बार बार सवालों को निकालते हैं तो आपका सिक्स सेंस ओपन हो जाता है वो चीजें दिखने लग जाती है जो आपको पहले कभी दिख ही नहीं सकती थी और पहली बार शुरुआत में दिख ही नहीं सकती इसलिए कहता हूँ शुरू को अंत मत मानिएगा शुरुआत में टाइम लगता है अब इसी सवाल को अगर आप सेम सवाल को अगर वापस करें तो आपका आधा समय कम हो गया अगर सेम को वापस करके देख लो आधा समय कम लगेगा तो इसका मतलब पहली बार फाइनल टाइम तो नहीं होती दूसरी बार में आधे का फर्क आ जाता है तीसरी बार में और कम हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही है है ना तो ये और याद होगा आपने ये बड़ा फेमस सवाल है अगर आप नवकार की बुक में जाएं तो नवकार की बुक का ये बड़ा फेमस सवाल है ये दो बार आया हुआ है नवकार की बुक में ये जो सवाल है ये नवकार की बुक में दो बार आया हुआ है एक बार एग्जाम्पल में आया हुआ है एक बार प्रश्नवाली के अंदर आया हुआ है दो बार ये सवाल आया हुआ है और फिर नवकार में अगर दो बार आया पेपर में आने के चांसेस भी बनते हैं तो ऐसे सवालों को थोड़ी कोई ट्रेस करेगा ऐसे सवालों को तो याद रखेगा कि इसका अच्छा इसका आंसर ही होना भी चाहिए ऐसा तो ये हमारा हो गया अब हम सवाल नंबर एक पर आते हैं कितनी देर बाद एक पहले सवाल पे आए क्योंकि पहला सवाल ज्यादा ऊर्जा मांग रहे है। पहला सवाल ज्यादा ऊर्जा मांग रहे है। अब पहले सवाल काफी जटिल है ध्यान से समझिएगा यहाँ पे पहले समझो कि कौन फलन है देखो यहाँ पे अवकलन किया हुआ है उससे पता चल जाएगा कि कौन फलन है और कौन स्वतंत्र है तो जेड का अवकलन किया गया इसका मतलब जेड फलन है आश्रित है क्योंकि अवकलन उसी का होता है जो आश्रित होता है या फलन होता है तो ये फलन हो गया है ना आश्रित को ही फलन कहते ये आपका एक्स ये आपका वाई ये दो स्वतंत्र है तो जेड को निकालना है इसमें से इसको पहले सॉल्व करूंगा मैं इससे जेड निकालूंगा और जेड का निकाल के जेड का एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ अवकलन करूंगा अब जेड निकलेगा कैसे तो इसके लिए मैं लोग की मदद लूंगा लोग को बुलाऊंगा और लोग का फायदा उठाऊंगा लोग दोनों तरफ लोग लेने पर यह सवाल भी बड़ा अच्छा है देखने में भी सुंदर लग रहा है देखो हाँ कभी उत्तर याद है हाँ का भी उत्तर याद है ये इतनी ये तो कह रहा हूं जैसे आप करते जाते ना उसका फायदा होता है एक तो देखो सुंदर सवाल है पहली बात है ईशो सवाल करते थे पहले कौन देखियो ये सवाल देखो देखना ना मैं यहाँ ठा पड़े अतना सुंदर सवाल रुझना थोड़ी मिल है तो ये देखने में लग रहा है कि एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड ये अपने आप ही याद रह जाता है ये अपने आप ही याद रह जाता है कोई ऐसा नहीं कि मुझे एक्स्ट्रा इसको रटना है है ना अपने आप ही ये याद रह जाता है कि अच्छा इतना सुंदर सवाल है एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड बराबर से तो फिर एक्स बराबर वाई बराबर जेड एक दो बार जब आप निकाल लेते हैं तो आप बेहतर हो जाते हैं इस चीज को याद रखिएगा एक्स बराबर वाई बराबर जेड ठीक है अब थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि लोग ने काम को आसान कर दिया मैं अवकलन करूंगा आराम से हो जाएगा पहले मैं एक एक करके पहले जेड़ के जेड़ का के का साथ अवकलन कर लेता हूं जेड का एक्स के साथ अवकलन कर लेता हूं तो शुरू करते हैं जय बाबा की तो ये दोनों गुणा में है एक्स भैया बाहर लोग एक्स का एक बटा एक्स लोग एक्स बाहर x का एक y का होगा नहीं zero क्योंकि आप x के साथ कर रहे हैं ये नियतांक है zero इनका होगा क्योंकि z होगा z x की फैमिली का ही है क्योंकि z x पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है तो उसका ओकलन होता है तो यहाँ पे ओकलन करोगे पहले z को छोड़ दिया log z का किया एक बटा z खुद z का किया del z over del x plus फिर log z bar फिर z का इस z का किया फर्स्ट वाले का डेल जेड ओवर डेलेक्स लोग सी नियतांक है बोलो का तो ओवर होता है का 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 क्यों नहीं किया का भी करते है। लेकिन एकस का एकस के साथ करते हैं हैं लेकिन के साथ तो एक आ जाता है एकस का एकस के साथ करते हैं तो एक आ जाता है इसलिए उसका खुद के साथ करने का कोई फायदा नहीं होता करते तो हैं एक आता है उसको लिखते नहीं है करते तो सारा ही है कायदे से चलता है सब कुछ बेकायदे का तो कोई काम है ही नहीं गणित में बेकायदे का कोई काम ही नहीं है सारा कायदे से चलता है तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कोई भी छुपा छुपी को नहीं तो जेड से जेड काट दो यहां से एक्स कट गया

दो बार अवकलन करना है और वो भी एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ एक बार एक्स के साथ जो कि हम कर चुके एक बार वाई के साथ अलग से वाई के साथ नहीं करना अलग से वाई के साथ नहीं करना जो एक्स के साथ आया है उसी का वाई के साथ करना है अच्छा हाँ तो गलती कर दी फिर टाइम खराब हो गया नहीं टाइम खराब कौन हो अभी देखो कोई टाइम खराब कौन हो अब हम जेड का एक्स के साथ तो हुआ हुआ ही है अब मैं वाई के साथ कर रहा हूं अब वाई के साथ वाई के साथ कर रहा हूं तो एक्स नियतांक है तो माइनस बाहर है ही वन प्लस लोग एक्स भी बाहर आ जाएगा क्योंकि मैं वाई के साथ कर रहा हूं वाई के साथ वाई के लिए अनजान है अजनबी है तो वन प्लस लोग एक्स बाहर आ गया अवकुलन खाली किसका होगा जेड वाले का क्योंकि जेड किस पे डिपेंड करता है वाई पर जेड वाई पे डिपेंड करता है नहीं करता तो अवकुल कैसे होता तो जेड वाई पे डिपेंड करता है तो z का y के साथ इसका ये z वाला पद यही है इसका होगा तो एक बट्टा हो गया एक बट्टे में अवकलन कैसे होता है माइनस एक बटा एक्स एक, एक बटा एक्स का अवकलन क्या होता है एक बटा एक्स का अवकलन होता है माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर तो ये हो गया माइनस एक बटा वन प्लस लोग जेड का स्क्वायर पावर ऊपर आएगी माइनस वन हो जाएगी माइनस वन आगे आएगी माइनस टू हो जाएगी इन टू फिर इसके खुद का अवकलन एक का अवकलन जीरो प्लस लोग जेड का एक बटा जेड खुद जेड का डेल जेड ओवर डेल वाई ये देखो ये है डेल जेड ओवर डेल वाई इसलिए पहले से ही निकाल के रखा था क्योंकि आगे जरूरत पढ़ने वाली है अब थे सोचो माने क्या ठा पड़ी हमें कैसे पता लगेगा कि पहले से निकाल के रखना है तो जवाब है प्रैक्टिस खूब सारी प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस ठीक है डेल जेड ओवर डेल वाई का मान ये रहा ये मान वहां पुट कर दो तो जैसे ही मैं मान ये वाला मान वहां रखूंगा देखो देख लो एक बार तो कितना हो गया? में गिन लो, सारा करता है। एक भैया भैय और यू दो और एक जो डेल जेड ओवर डेल वाई की जगह ये आएगा एक भैया और तीन भैया तीन माइनस यानी वापस माइनस बच जाएगा ये डन वन प्लस लोग एक्स यहाँ है वन प्लस लोगवाई यहां है और वन प्लस लोग जेड का स्क्वायर वो रहा और एक और आ जाएगा ये तीन हो जाएंगे तो आपके पास ये मान रखने के बाद हो जाएगा माइनस वन प्लस लोग एक्स वन प्लस लोग वाई बट्टा जेड और वन प्लस लोग जेड की क्यूब ये हो जाएगा ठीक है अब सवाल कह रहा है कि x बराबर y बराबर z यानी सब जगह पे सब तीनों को बराबर कर दो तीनों को बराबर कर दो इसका मतलब है कि जो z है उसकी जगह भी x रख दो y की जगह भी x रख दो x ही क्यों रख रहे हैं क्योंकि सवाल का उत्तर x में आ रहा है इसलिए सब जगह x रख देते हैं z की जगह भी x y की जगह भी x सब की जगह x रखूंगा तो क्या होगा तो ये होगा ये पूरा सवाल x में ही बन जाएगा वन प्लस लोग वन प्लस लोग एक्स क्योंकि ना कोई वाई रहेगा ना कोई जेड रहेगा सब एक्स हो जाएंगे और सब एक्स हो जाएंगे तो ऊपर वाले ऊपर वाले दो ब्रेकेट इससे कट जाएंगे एक ब्रेकेट नीचे बच जाएगा यानी आपके पास आ जाएगा माइनस एक बट्टा एक्स वन प्लस लोग एक्स लेकिन अभी भी हमारा उत्तर तो नहीं आया उत्तर तो ई में आ रहा है ई कैसे आएगा आएगा बिल्कुल आएगा ई भी आएगा ई कैसे आएगा ई ऐसे आएगा एक की जगह लोग ई लिख दू क्योंकि लोग ई का मान एक होता है एक की जगह लोग ई लिखने पर एक की जगह लोग ई का मान एक होता है हमने एक की जगह लोग ई रख दिया और अगर लोग प्लस में होता है तो गुणा में बदल जाते हैं ये भी आंसर क्या कहते हो और सही बताऊं इसका उत्तर याद था शुरू से याद था लेकिन कोई बात नहीं जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो ना घबराए चीजों को थोड़ा सा मेमोरी में रखना भी शुरू करें खासकर अच्छे रिजल्ट जो है ना उनको दिमाग में डालने की कोशिश करें याद रखने की शुरू करें क्योंकि इसका फायदा क्या होता है जैसे मैं पहले कहता हूं देखो दोनों बातों में अंतर है दोनों चीजों में अंतर है कोई इस सवाल को करके उत्तर मिलाता है उसे सिर्फ दो नंबर मिलेंगे उसे सिर्फ दो नंबर मिलेंगे लेकिन किसी को अगर उत्तर याद है फायदा तो होना चाहिए ना अभी आपको पता है कि आपकी किताब में से सवाल आ रहा है और वो आपको याद नहीं है आपको करना पड़ रहा है तो भाई यूं मारो क्या हो सके सोच रहे हो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है आपको पता है कि आपकी किताब में से उत्तर आ रहा है आपकी किताब में से उत्तर आ रहा है और आप आपकी किताब में से सवाल आया है और आपको उत्तर याद नहीं है तो फिर तो वो एडवांटेज ले लेगा आपसे आगे तो वो बच्चा निकल जाएगा जिसने भी किताब में से नहीं आया उसको तो सबको ही करना पड़ेगा किताब में से नहीं आया उसको तो हर किसी को ही करना पड़ेगा लेकिन अगर कोई सवाल किताब में से आ रहा है आपको भी पता था और उसको भी पता था लेकिन उसे याद था आपको याद नहीं था तो फिर वो आपसे एक चीज एक कदम आगे बढ़ गया उसने दो नंबर भी ले लिए प्लस डेढ़ मिनट या दो मिनट जो लगे हैं वो भी ले लिए और मिनट भी नंबर होते हैं मिनट भी तो नंबर होते हैं खाली नंबर ही नंबर थोड़ी होते हैं मिनट भी नंबर होते हैं ग्रीन वाले में एक बटा जेड ये रहा एक बटा z एक बटा z हुआ log का इसका ये तो नीचे वाले का हुआ है है ना ये वाला माइनस एक बटा 1 log x तो बाहर आ गया इसका किया फिर इसके खुद का किया खुद का अभी इसे हमने एज ए x माना है पूरे को 1 log z को एज ए x माना है जैसे एक बटा r का अवकलिंग क्या होता है एक बटा r का होता है माइनस एक बटा r स्क्वायर हो गया वो 1 बटा r का हुआ है 1 बटा r का फिर बारी आएगी r की फिर आर का अवकलन होगा सेम वैसे ही पहले एक बटा 1 प्लस लॉग z का अवकलन ये हुआ है ये एक बटा 1 प्लस लॉग z का अवकलन हुआ है फिर इसकी बारी इसका करोगे तो एक का जीरो प्लस लॉग z का एक बटा z खुद z का डेल्dz ओवर डेल्z इसका भी तो होगा दो चीजें हैं एक बटा 1 प्लस लॉग z तो एक बटा 1 प्लस लॉग z का करोगे एक बट्टा वन प्लस लोग जेड पहले इसका होगा बट्टे का फिर उसका जो नीचे है इसका होगा तो ये इसका है ठीक है सही है क्या कहते हो बढ़ जाए आगे ये ट्राई करो अगला सवाल इस सवाल में क्या करना है वाई का दो बार अवकलन करना है एक्स के साथ वाई का दो बार अवकलन करना है टी के साथ फिर दोनों का भाग दे देना है और बताना है कि इनमें से क्या आएगा इस बार नहीं रहोगे इस बार आप लोग नहीं रहेंगे इस बार पक्का है इस बार आप लोग नहीं रहोगे ये मेरी श्योरिटी है इस बार आप लोग संस्कृत विभाग वाली भर्ती में जिन लोगों ने भी 2.0 ईमानदारी से पूरा किया है वो इस संस्कृत विभाग वाली वैकेंसी में नहीं रहेगा जीके का पेडागोजी का मैं नहीं कह सकता मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसमें नहीं रहेंगे संस्कृत विभाग वाली भर्ती में इसकी जिम्मेदारी मेरी है आप में से जिन लोगों ने भी टू पढ़ा है अच्छे से किया है वो इस संस्कृत वाली जो भर्ती है इसमें नहीं रहेगा तो ये पक्का है हाँ अब पेडागोजी मरा दे यार वो मरा दे उसका आप क्या कह सकते हैं उसका क्या कर ले? लेकिन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस बार नहीं रहेंगे चाहे कितनी नेगेटिव मार्किंग हो चाहे कुछ भी हो इस बार इसकी वजह से आप लोग फेल नहीं होंगे टीचिंग मैथड मुझे आते नहीं है टीचिंग मेथड मुझे आते नहीं है टीचिंग मेथड के लिए आपको उससे मिलना होगा जो टीचिंग मेथड का एक्सपर्ट है है ना आपको टीचिंग मेथड और जीके के लिए उससे मिलना चाहिए जो उसके महारती है वो ज्यादा अच्छे से समझता है वो ये समझता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ये समझता है कि किस तरीके से पढ़ाना होता है किस तरीके से बताना होता है किस तरीके से समझाना होता है जो जिस फील्ड का बेहतर हो सर्वश्रेष्ठ हो उसके पास जाओ ज्यादा बेहतर है मुझसे बढ़िया तो आप खुद ही पढ़ लोगे मैं जीके के बारे में कैसे बता सकता हूँ आप लोग पढ़ के देखो ना आपको कौन सा दिमाग में सेट होता है कौन सा ज्यादा समझ में आता है कौन टीचर है जो ज्यादा ठीक है अलग अलग है वैरायटी है आप जाके यूट्यूब पे ट्राई कर सकते हैं कि कौन कैसा है किस का क्या तरीका है पढ़ाने का हाँ ये तो है हाँ अरे शाबाश प्रतीक ये है समझदारी ये तो सेम सवाल है ये तो सेम सवाल है पिछली बार भी आया हुआ है शकल, के है, शकल बदल के आ रहा है बस शक्ल बदल के आया तो इसका मतलब सोचो कि आरपीएससी में भी सवाल जो आते हैं वो मोटा मोटी काफी हद तक सिमिलर होते हैं बस खाली शक्ल बदल के चेंज कर देते हैं हल्की बुल्की शक्ल बदल देते इस सवाल को देखो सवाल ने क्या किया बंदे ने पहले ये सवाल आपको याद हो तो ये जेड में था ये बंदा यहाँ वाई जो लिखा हुआ ये जेड था जहां एक्स था वहां एक्स था जहां टी था वहां वाई था और हमने इन दोनों का अनुपात निकाला भी था हमने इन दोनों का अनुपात निकाला भी था याद आया नहीं याद आया ये देखो ये रहा सवाल दिमाग में चैनल्स बनाओ ताकि इनके फायदा उठाया जा सके ये देखो ये रहा सेम सवाल है ये इसके बटे में आ जाएगा वो 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 वाला इसके बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर उधर चला जाएगा उत्तर आ गया एक बटा ए स्क्वायर उत्तर आ गया एक बटा ए स्क्वायर यही है सेम है नाम तो बदलेगा यार अभी थोड़ी कि वही एक्स वाई जो पहले लिखा हुआ वही एक्स वाई लिखेगा अब थोड़े बहुत तो थो खेल खेलेगा ही ना सवाल वाला थोड़े बहुत तो थो बदलाव करेगा ही ये नहीं पकड़ोगे तो उसके मतलब आपने तैयारी नहीं की है ना तो उनको छांटना भी तो वही है कि जिसने तैयारी की है जिसने नहीं की है अब ये चीजें छांटने का तरीका तो होगा कुछ तो बदलेगा थोड़ा बहुत घुमाएगा खेल तो खेलेगा ही ये सवाल आपने किया है ये किया है तो ये एक्स एक्स ही था वाई की जगह टी था ये इसके बटे में लाना है स्क्वायर उधर चला जाएगा एक बटाए स्क्वायर आंसर हो गया एक बटा ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर चार का सिमिलर ये आंसर हो गया दो नंबर मिल गए दो मिनट मिल गए दो नंबर मिल गए दो मिनट मिल गए फर्क पड़ता है दोनों बातों में रात दिन का अंतर है एक क्वेश्चन से आप डबल चीज निकाल रहे हैं एक सवाल से आप डबल चीज निकाल रहे हैं गौर करो खाली नंबर कमाना है ना कंपटीशन में आपको आगे नहीं बढ़ाएगा नंबर भी निकालने हैं समय भी निकालना है क्योंकि कम तो समय भी तो पड़ता है खाली नंबर ही थोड़ी कम पड़ते हैं समय भी कम पड़ता है अगर समय ज्यादा होगा तो नंबर बढ़ेंगे समय बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेंगे तो जितना समय आप बचा लोगे उतने मान लीजिए आपने दो मिनट बचाए दो मिनट पर आपने अगले दो सवाल कर लिए दो मिनट आपने बचाए मान लीजिए सवाल किया इसमें दो मिनट बचे दो मिनट में आगे आपने दो सवाल और कर लिए तो आपको कितने मिले एक सवाल से आपको छः नंबर मिले एक सवाल से छ मिले और जिसने पूरा किया उसे सिर्फ दो मिनट मिले तो ये समझना होगा समय बचाना होगा अगर ये नहीं बचाओगे तो समय कम पड़ेगा फिर शिकायतें करते कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो शॉर्ट होती कुछ नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो भी नहीं सकती सवाल बदल बदल के आते हैं चेंज करके आते हैं इतनी बड़ी गणित है कहां शॉर्ट ट्रिक है स्मार्ट ट्रिक हो सकती है आपका दिमाग काम कर आपका दिमाग खुल जाए खुल जाएगा तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे ठीक है ना

ये है इसका आंशिक अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष और इस बिंदु पे कर रहे हैं मतलब जो भी आंशिक अवकलन आए उसमें बाद में ये पॉइंट भी रखना है वन जीरो रख देना है इस तरीके से हाँ प्रतीक ने पकड़ लिया यही तो दिमाग बनाता है ना यही तो होता है अभी आप सवाल करो मैं इतने में कि 2009 और दो हजार नौ का जो टाइम हुआ करता था आठ नौ का उस टाइम में लगभग लगभग लग लग, अगर कोई भी बंदा किसी एग्जाम सामान्य एग्जाम के आई एस वाई की बात नहीं कर रहा सामान्य सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनकी तैयारी कर रहा होता था और लगभग छह महीने अगर तैयारी कर लेता था बैंक का तो इतना आसान था दो हजार तक कि अगर आप दो से तीन महीने अगर आप बैंक की तैयारी कर लेते हैं तो बैंक क्रैक हो जाता था दो हजार नौ दस के अंदर नौ दस में ये जो समय सीमा थी तैयारी की ये सिर्फ दो से तीन महीने की थी अगर दो हजार नौ दस तक अगर कोई बंदा तीन महीने कंसिस्टेंट परीक्षा को दे देता था तो बैंक ये जो एग्जाम होते थे एलडीसी वेलडीसी टाइप के ये पटवारी वटवारी ये एग्जाम आराम से क्रैक हो जाते थे उस समय तीन महीने होते थे तीन महीने ईमानदारी से वैसे तो आप तीन साल दो तो भी कम पड़ेंगे है ना इेगुलरिटी के साथ तो आप तीन साल दोगे तो भी अगर सतत प्रयास करो और एकदम सघन प्रयास करो तो तीन महीने पर्याप्त होते थे 2009-10 के अंदर फिर ये मामला बढ़ के दो हजार पंद्रह तक अगर हम आते हैं तो ये बढ़ के हो गया था लगभग एक साल के आसपास का एक साल आप तैयारी करो तो आपका नंबर आ जाता है अब कोविड के बाद में ये नंबर बढ़ गए कोविड के बाद में भी हो गया डेढ़ साल अगर आप डेढ़ साल तैयारी कर लेते हैं और ईमानदारी से तैयारी कर लेते हैं डेढ़ साल तो कोई भी आपसे कितने भी कमजोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहोगे मैं इतना इतना कमजोर हूं मतलब

डेढ़ साल में लोग पंद्रह चीजें ट्राई कर चुके हुआ तो समस्या तो अब यह है लोगों से तीन महीने टिकना मुश्किल है पंद्रह महीने तो मतलब डेढ़ साल तो बहुत दूर की बात है और अब डेढ़ साल आप में से कोई बता दो जो बंदा डेढ़ साल तैयारी अभी भी इस भर्ती में देख लेना या चलो उसको छोड़ते हैं पीछे चलते हैं सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं किसी ने सेकंड ग्रेड में डेढ़ साल तैयारी करके एग्जाम दिया है वो क्रैक ना हुआ हो बता दो अगर एक सिर्फ सेकंड ग्रेड को टारगेट बनाकर डेढ़ साल किसी ने तैयारी की हो सतत तैयारी की हो सघन तैयारी की हो और डेढ़ साल में उसका सिलेक्शन ना हो बता दो ढूंढने से नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि जिसने की है वो तो लग गया मिलेगा कैसे मिलेगा वो जिसने नहीं की कोई तीन महीने पढ़ा कोई चार महीने पढ़ा कोई छह महीने पढ़ा इसलिए रहा अब तो बढ़ गया ना अब तो ये, अब तो बढ़ गया अब अब तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया अब तो कोविड के बाद में बढ़ गया ये कोविड ने और मामला बिगाड़ दिया कोविड के बाद जो लोग बाहर गए हुए थे वो वापस आ गए ना अब उनके वजह से कंपटीशन बढ़ गया प्लस जिन लोगों का था कि भी ठीक है एक बीच में माहौल बन गया था दो हजार तक की ठीक है आप प्राइवेट भी ट्राई कर सकते हैं वहां भी बहुत अच्छा स्कोप है खुल गया था दिमाग खुल गया था और कोविड ने वापस से दिमाग को बंद कर दिया फिर से वो धारा में आने लग गए वापस से इस तरफ मुड़ गए बहुत से लोग है जो अच्छे खासे पेइंग जॉब पे थे अच्छे जॉब पे कमा रहे थे और कमा रहे थे ना कुछ वो नहीं हमें सब बकवास है गवर्नमेंट जॉब ही गवर्नमेंट जॉब है तो सब यहां टूट पड़े तब और कंपटीशन बढ़ गया नहीं तो ये कम हो गया था तो करते हैं अवकलन किसके साथ करना है एक्स के साथ करना है तो चलो एक्स के साथ आंशिक अवकलन करने पर तो ये रहा एफ डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स एक्स के साथ करेंगे ई e का आकलन तो ई e होगा ई e का आकलन ई होगा वन माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वन माइनस एक्स कॉस वाई ए का जीरो माइनस कॉस वाई बाहर एक्स का एक वन का जीरो कॉस वाई बाहर एक्स का एक प्लस इसमें तो कहीं एक्स है क्या कहीं है क्या दिख रहा है कोई एक सिंगल भी एक्स है नहीं है नहीं है तो बहुत ही बढ़िया जीरो नहीं है तो बहुत ही बढ़िया एक्स नहीं है वाई भी नियतांक है जेड भी नियतांक है क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही स्वतंत्र है तीनों ही स्वतंत्र है तो एक्स के लिए वाई भी नियतांक है जेड भी नियतांक है पॉइंट रख दो क्या पॉइंट रखना है ये वाला ये वाला मतलब एक्स की जगह जहां एक्स है वहां एक लिखो जहां वाई है वहां जीरो रखो जहां जेड है वहां पाई रखो तो क्या क्या हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स वन कोमा जीरो कोमा पाई एक्स की जगह एक वन माइनस एक वाई की जगह जीरो इंटू माइनस कॉस वाई ई की पावर वन माइनस वन इंटू एक ई की पावर जीरो इंटू माइनस एक ई की पावर जीरो यानी एक एक इंटू माइनस एक माइनस एक आंसर हो गया माइनस का एक समझ में आया ये देखो तो इसमें क्या करना है बस बताया था कि एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो तो एक्स के साथ अवकलन कर देते हैं एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो पहले इसका होगा ये ई है ई का अवकलन हमेशा ई होता है ये तो हम जानते ही हैं तो ये तो सेम टू सेम आ गया फिर ई का हो गया ई का होने के बाद ऊपर वाले का होगा ऊपर वाले में एक का जीरो जेड इस तो नियतांक है तो इसका जीरो आप एक्स के साथ कर रहे हैं ना एक्स के साथ कर रहे हैं मतलब एक्स का ही कर रहे हैं तो वाई और जेड नियतांक है तो इसमें तो वाई इस तो और जेड है एक्स तो कहीं है ही नहीं है ही नहीं तो ये नियतांक हो गया नियतांक हो गया तो जीरो हो गया अब इसने कहा कि बिंदु रखो तो बिंदु रख दिया एक्स की जगह एक वाई की जगह जीरो z जेड की जगह पाई तो ये अवकलन करके जहां जहां था मान वो रख दिया सॉल्व कर दिया आंसर आ गया माइनस एक ठीक है आया समझ में ठीक आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं छोटा सा ये इसको ले लेगा। अब यहां, यहां आंशिक अवकलन नहीं है सावधान इंडिया गड़बड़ मत कर देना यहां पे आंशिक अवकलन नहीं है देखो देखो डी जेड आया डी जेड आया इसका मतलब पूर्ण अवकलन आया है पूर्ण ना डी है, डेल नहीं आया है डेल नहीं आया है डेल नहीं आया है डी आया है और डी आने का मतलब पूर्ण अवकलन आया है पूर्ण अवकलन तभी आता है जब एक ही स्वतंत्र चर हो इसका मतलब इनमें से एक ही स्वतंत्र चर है और वो फिर एक्स हो गया इस बार वाई नियतांक नहीं है इस बार वाई नियतांग नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र है तो बचे हुए सब परतंत्र है ये स्वतंत्र है तो बाकी सब परतंत्र एक ही स्वतंत्र हो सकता है पूर्ण अवकलन आया इसका मतलब एक ही स्वतंत्र है पूर्ण आया है इसका मतलब एक ही स्वतंत्र है तो वो कौन है x ठीक है वो x है तो x के साथ अवकलन करो पूर्ण अवकलन ध्यान देना इस बार का डी जेड ओवर इनवर्स का एक बट्टा वन प्लस टेन इनवर्स का एक बट्टा वन प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर इनटू इनटू अब रुको पिछली बार तो हम क्या करते थे कि वाई तो बाहर निकल जा हम एक्स के साथ करें इस बार वाई नियतांग नहीं है वाई का भी अवकलन होगा इस बार वाई का भी अवकलन होगा वाई का भी अवकलन होगा और एक्स का भी होगा दोनों का होगा दोनों भाग में भाग में है तो एक्स बाहर वाई का अवकलन डीवाई बाई डी एक्स फिर y बाहर नीचे वाले का अवकलन एक बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर पूरा जैसे आप टें ट्वेल्थ में करते थे वैसे जैसे आप ट्वेल्थ में करते थे वैसे ये ट्वेल्थ वाला आ गया यू समझ लो ट्वेल्थ में जो करते थे ना सबका करते थे कोई नाराज ना हो सबका अवकलन होगा बारी बारी से लाइन लगा लो बस सबका अवकलन होगा किसी को भी नाराज करके नहीं भेजेंगे तो बस वही है पूर्ण अवकलन मतलब वो वाला अवकलन जो आप करते थे ट्वेल्थ में सब खुश होंगे देखो कोई नाराज हुआ किसी को नियतांग माना नहीं सबका किया जो जहां आया उसका वहां किया जेड पहले आया जेड का पहले किया फिर टेन इनवर्स का किया फिर वाई बटा एक्स का किया बताओ कोई है नाराज किसी को छोड़ा किसी को नजरअंदाज किया नहीं करते भी नहीं है इसमें ठीक है लघुत्तम ले लूं एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट यहाँ पे ये यह हो जाएगा x dy बाई डीएक्स माइनस वाई डीएक्स का लूँ तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वाई डीवाई माइनस वाई dx और दोनों साइड से dx dx काट दू तो और क्यों काटा ये क्या बात हुई काटा इसलिए सवाल चाहता था कि मैं काटू सवाल की इच्छा थी कि इन्हें काटूं इसलिए मैंने काटा मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया जो किया वो सवाल ने करवाया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये आपका ये आंसर हाँ वो ठीक कर दिया मैंने आ गया क्लियर है वाई के साथ कर लो वाई के साथ करना चाहो वाई के साथ कर लो यही आएगा अगर आप वाई को स्वतंत्र मानते हैं कर लो सेम आएगा कोई फर्क नहीं आएगा एक को स्वतंत्र मानना है आपकी मर्जी आए वाई को मान लो आपकी मर्जी आए एक्स को मान लो दोनों में से किसी को भी मान लो आंसर आपका यही रहेगा चेंज नहीं आएगा ट्राई कर सकते हो आप ट्राई कर सकते हो गणित है अलग अलग तरीके से अलग अलग उत्तर नहीं आते सही करते रहोगे सही आता रहेगा एक ही आता रहेगा ठीक है इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ द्विघात समीकरण के साथ पढ़िएगा इन सवालों को जाने मत दीजिएगा इनको प्रैक्टिस करिएगा इनको दोहराइएगा है ना इनको दोहराइएगा ये नहीं कि यहां हो गए बस मुझे आ गए आते वाते किसी को कुछ नहीं है करते रहोगे तो दिमाग में बने रहेंगे और बेहतर होते रहेंगे और ये सोचोगे कि, कि मुझे आ गए तो किसी को नहीं आते मैं बार बार ये समझाता भी रहता हूं किसी को विराट कोहली आज भी प्रैक्टिस कर रहा है विराट कोहली आज भी प्रैक्टिस कर रहा है है ना नंबर वन खिलाड़ी है फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है रोनाल्डो मेसी आज भी प्रैक्टिस करते हैं और शायद ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्या उनको फुटबॉल अभी तक नहीं आया क्या उनको फुटबॉल अभी तक नहीं आया क्या विराट कोहली को क्रिकेट अभी तक नहीं आया जवाब है उनको आ चुका लेकिन वो जो आ चुका वो टिकेगा कब तक जब तक वो प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक वो दोहराते रहेंगे वो प्रैक्टिस बनी रहेगी तब तक वो आता रहेगा जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ी उस दिन रोनाल्डो रोनाल्डो नहीं रह पाएगा है ना तो सेम वही बात याद रखिएगा ये हमारे लिए भी लागू है और ये आप लोगों के लिए भी लागू है प्रैक्टिस करते रहोगे सब सही रहेगा प्रैक्टिस बंद की सब बंद ठीक है हाँ दस पांच पे दस पांच के आसपास पास होते है, क्लास दस पांच का टाइम देख लेना लगभग दस पांच के आसपास रहेगा, वो उसमें देख लेना शेड्यूल किया हुआ है चलो मिलते हैं आप लोगों से